खरगोन जिले में अवैध कच्ची शराब निर्माण का कारोबार शबाब पर चल रहा है। प्रशासन द्वारा बार बार कार्यवाही के बावजूद माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि लगातार शराब निर्माण करके गोरख धंधे को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी क्रम में खरगोन पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ने निर्देशन में टीम गठित करके कुंदा नदी किनारे बस गांव कुमार खेड़ा के तकरीबन 1,00,000 की लागत महुआ लहान सहित कच्ची शराब जब्त करके कार्यवाही को अंजाम दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम कुमार खेड़ा में अवैध शराब कच्ची शराब क्रय विक्रय की शिकायत लगातार मिल रही थी, जिसे लेकर पुलिस विभाग ने गंभीरता दिखाई और अलग अलग स्थानों से 12 क्विंटल महुआ लहान नष्ट करते हुए 82 लीटर शराब जब्त करते हुए कार्यवाही को अंजाम दिया है। बहरहाल पुलिस विभाग की त्वरित कार्यवाही को देखते हुए अवैध कच्ची शराब माफियाओं में दहशत का माहौल व्याप्त है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, ये श्रीमान कृष्ण मोरे द्वारा क्षेत्र में अवैध शराब के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में और मार्गदर्शन में आज सुबह ग्राम कुमार खेड़ा में थाना कुटवाली की पुलिस द्वारा दबिश दी गई थी। कुमार खेड़ा में कई समय से अवैध शराब निर्माण और विक्रय को लेकर शिकायत मिल रही थी। पुलिस दबिश दी गई थी तो जो निर्माण करने वाले थे वो लोग तो पुलिस को देख के भाग गए थे, परंतु जो नदी किनारे किनारे शराब बनाने के औजार थे, भट्टी और जो महुआ गलाया हुआ था वो हम लोगों ने उसको नष्ट किया और काफ़ी मात्रा में लहान करीब 12 क्विंटल लहान हम लोगों ने नष्ट किया है। उसके बाद में हम लोगों ने जहाँ जहाँ ऐसे लोग रहते थे उन गाँव में दबिश देकर कार्रवाई की, जिसमें 2 लोगों के पास शराब मिली, उनसे करीब 82 लीटर महुआ की शराब जब्त करके आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीकृत किया है। सर, आरोपी कितने पकड़े गए? अभी 2 आरोपी हमारे पास गिरफ्तार हुए हैं। कितने की शराब होगी सर, लगभग क्या कीमत होगी? 82 लीटर शराब है और करीब 13,000 रुपये इसकी कीमत है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।